सब्सक्राइब कीजिए मोरा टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नए वीडियोज नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मोरा टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम VSDC वीडियो एडिटर की मदद से स्लाइड शो कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन होता है, जो घंटे का बटन होता है, उसे जरूर प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोज में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए आप दूसरा ऑप्शन हम देख सकते हैं, इसमें लिखा है क्रिएट स्लाइड शो। पहला ऑप्शन हमने यूज कर लिया है ब्लैंक प्रोजेक्ट कैसे लेना है। तीसरा ऑप्शन है अगर कोई भी प्रोजेक्ट को हम मतलब कोई भी वीडियो ऑडियो को जिसको हमें या फिर इमेज को जिसको हम एडिट करना है उसको डायरेक्ट अभी ही अगर इंपोर्ट करना चाहें उसके लिए ये ऑप्शन है। चौथा वीडियो कैप्चर, जिससे हम अपने पीसी या लैपटॉप की जो वेब कैमरा होती है उसकी मदद से अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, इसमें कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने पीसी का स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके लिए ये पांचवा ऑप्शन है। ठीक है, तो हम दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम, तो मान लीजिए मैं रख रहा हूँ स्लाइड शो या सिर्फ स्लाइड। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप यहाँ पर कोई भी चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये पहला इमेज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे दूसरा इमेज कर लिया, यहाँ पे तीसरा इमेज, यहाँ पे एक वीडियो डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे एक और मान लीजिए इमेज, यहाँ पे एक और इमेज कर लिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक और इमेज डाल रही है, तो इस तरह से आप जितने चाहें यहाँ पे मान लीजिए एक और वीडियो डाल ले रहे हैं, जैसे कोई भी वीडियो मतलब ये सारी वीडियोज बड़ी हैं तो मैं इसी को दोबारा डाल रहा हूँ ताकि छोटी वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो ज़्यादा समय लगेगा कन्वर्जन में और इस सारी चीज़ों में। अब देखिए ये जो बीच वाला आप गैप देख रहे हैं, यहीं पे हम कोई भी स्लाइड शो का इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे ये देखिए ये पहला इफेक्ट इस तरह से आपको स्क्रीन पर, जिसमें से आप बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे पुश साइड है दरवाजे वाला, ठीक है, देखिए इस तरह से ये वाइप सेंटर, ठीक है, सेंटर से, तो आप जो भी इफेक्ट चाहें वो यहाँ से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग करके, ठीक है, ये एक इफेक्ट यहाँ पर हो गया, ये आपको दिखा रहा है कैसे यहाँ पर शो होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई और इफेक्ट इस तरह से, ये दरवाजे खोलने का, ये दूसरा पर रख देते हैं, ये आपको दिखा रहा है कि ये किस तरह से यहाँ पर प्ले होगा। और मान लीजिए कोई और ये जैसे इस तरह से, तो इसको यहाँ पे रख लिए, ठीक है, हो गया। और भी कोई इफेक्ट मान लीजिए, जो मैं सभी से एक एक करके इस तरह से ले रहा हूँ ताकि सब सही लगे, ठीक है, ये देखिए तो इस तरह से आप ऐसे करके और यहाँ पर, ठीक है, ये सारे इतने सारे इफेक्ट्स हमने ले लिए। अब यहाँ से अप्लाई सेटिंग करेंगे, ठीक है, ये अप्लाई हो गया और यहाँ पर हमारा बनकर तैयार है और इसको हम ओके करके प्रीव्यू दे लेंगे। तो अभी यहाँ पे प्रीव्यू जो है वो प्ले होगा, ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप प्रीव्यू प्ले हो रहा है। सब्सक्राइब करें मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन तो जरूर दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। इस बटन से, ठीक है, इसको मान लीजिए पॉज कर देंगे और यहाँ से बेहतरीन साउंड से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसको पूरा पहले देख ले रहे हैं कैसा है, ठीक है, सब्सक्राइब करें मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और इस तरह से आप कितने भी वीडियोज और फोटो और इस चीजों को जोड़ करके आप बना सकते हैं स्लाइड शो का इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसको अब एक्सपोर्ट कैसे करना है ये यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से आप चाहे तो आपके पास इतने सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इतने सारे मॉडल्स के फॉर्मेट्स
फॉर्मेट अगर मान लीजिए क्रिएटिव पर क्लिक करते हैं तो इसका जो फॉर्मेट है वो आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर मोबाइल पर क्लिक करते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मेट्स हैं 3GB, MP4, RM, ये सारी चीज़ें आ गई। अगर हम और इसमें और भी है PSP के लिए, ये PS के लिए, ब्लैकबेरी के लिए, सारी चीज़ों के लिए, मोबाइल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर तो मैं ठीक है PC के लिए अगर करेंगे तो इसका इतने सारे फॉर्मेट्स आ गए हैं, तो इसको मैं यहाँ पे MP, ठीक है, AVI जो ये ऑप्शन है इसी में मैं एक्सपोर्ट करने रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम हम रखा है स्लाइड, और ये यहाँ पर आप यहाँ चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं आपको जहाँ पर भी मन हो, तो मैं यहाँ पे इसको स्लाइड नाम से कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से इसको हम एक्सपोर्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे ये प्रीव्यू ऑप्शन, अगर आपको प्रीव्यू देखते रहना है इसका, ठीक है, तो आप इसको टिक रखेंगे या फिर इसको आप अनटिक कर सकते हैं, जिससे आपको ये प्रीव्यू नहीं दिखाई जाएगी। मान लीजिए बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको बैठ कर नहीं देखना है उसको, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से अनटिक कर देंगे, ठीक है, इस तरह से अनटिक कर देंगे, वो उतना पर ही रुक जाएगा और आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपकी जो जो आउटपुट होगा यहाँ पे, आउटपुट फाइल के बारे में, वो सारी आपकी जानकारियाँ कितना KBPS का होगा, क्या होगा उसका पिक्सल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। और भी जितने सारे इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं, स्कैन, एडिट, व्यू, ये सारी चीज़ों पर मैं सारे ऑप्शंस पर वीडियो बनाऊंगा, तो आप कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन तो बनता है, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और ये मैं अभी थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको हम देखेंगे कैसा हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से अपना वीडियो को हम देख लेंगे कैसा हमारा वीडियो जो है वो बना है। तो इसके लिए हम अपना फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। तो हमने इसका नाम रखा था स्लाइड, ये हमारा है, तो इसको हम ओपन करके देख लेंगे कैसा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो इसमें अभी इफेक्ट आएगा, तो इस तरह से, तो आप जितने भी चाहें स्लाइड्स को आप कर सकते हैं, आप इसको वीडियोज में भी डाल सकते हैं, जैसे अभी वीडियो में डाला है, तो आप वीडियो से वीडियो में भी डाल सकते हैं। मैंने ज्यादा वीडियो नहीं ऐड करने के चलते ऐसे किया है, ताकि नई वीडियो आप चाहें तो जिस ढंग से चाहे आप ऐड कर सकते हैं अपना वीडियो बनाने के लिए इसको। तो यही था आज की वीडियो, टेक्निकल जो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहें, ताकि जीएसटीसी से सारी जानकारियां मैं आपको दूं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।